हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स पर। हम लोग कर रहे हैं झारखंड जी के मनीष रंजन सर की ऑब्जेक्टिव बुक जो कि झारखंड वस्तुनिष्ठ, 7000 प्लस क्वेश्चन है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। अगर आप झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने जा रहे हैं या फिर बैठने वाले हैं, जैसे कि JPSC हो या फिर JSSC हो, किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो उसके लिए ये समान रूप से बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए हम लोग आज करेंगे Day 3, यानी कि हम लोग आज तीसरा दिन करने वाले हैं। Day 1 और Day 2 प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप वहाँ पर जाकर देख ले। आप एक बार सुन लेंगे, एक या दो बार सुन लेंगे तो आपको पूरा झारखंड जी के याद हो जाएगा, जिससे कि आप अगर किसी एग्जाम में बैठेंगे तो आप झारखंड जी के को लेकर कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी सेशन को और देखते हैं आज Day 3 में देखेंगे झारखंड का विशिष्ट पहचान से रिलेटेड क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि मनीष रंजन सर के बुक से लिया गया है। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजातीय समूह की जनसंख्या का 26% है। ठीक है, जनजातीय समूह की जनसंख्या 26% है। अब हम लोग देखते हैं कि झारखंड में आदिम जनजाति चिन्हित है 9। ठीक है, इसका सही जवाब है 9। आदिम जनजाति 9 चिन्हित है, यानी कि 9 आदिम जनजाति है झारखंड में। अब वहीं पर देखते हैं कि निम्न में से कौन सी एक आदिम जनजाति नहीं है। तो चीक बड़ाईक आदिम जनजाति नहीं है। ये कपड़े बुनने का काम करती है, चीक बड़ाईक जो होता है वो आदिम जनजाति नहीं है। अब हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन सी एक आदिम जनजाति है। तो जो परहिया है वो आदिम जनजाति है। ठीक है, और बिरहोर, सबर, हिलखड़िया, परहिया, ये सारा आदिम जनजाति है। चीक पड़ाई आदिम जनजाति नहीं है। महली, लोहरा, करमाली आदिम जनजाति नहीं है। तो परहिया आदिम जनजाति हो गई। तो यहाँ से हम देख लेंगे कि परहिया आदिम जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का भारत में जनजातीय दृष्टि से कौन सा स्थान है। ठीक है, झारखंड का जनजातीय दृष्टि से भारत में स्थान है 6। ठीक है, चौथा स्थान है। ठीक है, झारखंड का भारत में जनजातीय दृष्टि से चौथा स्थान है। झारखंड में जनजातीय समूह की खेती को किस नाम से जाना जाता है। तो झारखंड में जनजातीय समूह की खेती को कुरवा के नाम से जाना जाता है। कुरवा, याद रखेंगे, कुरवा के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस जनजाति को शिल्प में महारत हासिल है। तो महली जनजाति जो कि है, इसे शिल्प में महारत हासिल है। महली जनजाति को शिल्प में महारत हासिल है, शिल्प में महारत हासिल है, याद रखेंगे, शिल्प में महारत हासिल है महली जनजाति को। किस जनजाति द्वारा कपड़ा बुना जाता है। तो चीक बड़ाईक के द्वारा कपड़ा बुना जाता है। और ये जो चोक बड़ाईक है, ये एक आदिम जनजाति नहीं है, इसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किया। तो देखिए, अभी जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो हम लोग जानते हैं संथाल। ठीक है, संथाल जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। अब हम लोग देखते हैं कि ओलचिकी जो है किस जनजाति की लिपि मानी जाती है। तो ओलचिकी जो है वो संथाल की लिपि मानी जाती है, याद रखेंगे, ओलचिकी जो है संथाल जनजाति की लिपि है। वहीं पर निम्न में कौन सा संथाल जनजाति के सर्वोच्च देवता है। ठीक है, तो संथाल जनजाति के सर्वोच्च देवता हैं मरांग गुरु जो है संथाल जनजाति के सर्वोच्च देवता हैं। संथाल जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह कौन सा है। तो संथाल जनजाति में जो सबसे प्रचलित विवाह है उसका नाम है किरिंग बापला। ठीक है, किरिंग बापला संथाल जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह है। संथाल जनजाति में पोन को क्या कहा जाता है। तो अलग अलग जनजाति में वधू मूल्य का अलग अलग नाम है। जैसे कि संथाल जनजाति, याद रखेंगे, संथाल जनजाति में वधू मूल्य का नाम पोन कहलाता है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, पोन हो जाएगा। पोन को वधू मूल्य कहा जाता है संथाल जनजाति में। अब हम लोग देखते हैं 14, संथाल जनजातीय शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को किस नाम से जाना जाता है। तो ग्राम प्रधान को संथाल जनजाति में कहा जाता है मांझी। क्या कहा जाता है, मांझी कहा जाता है। संथाल समाज में गोड़ैत का क्या काम होता है। तो अलग अलग समाज में, जैसे संथाल हो गया, बैगा हो गया, तो जितनी भी अलग अलग जनजाति है उसके समाज में अलग अलग नामकरण किए जाते हैं। जैसे गोड़ैत यहाँ पर संदेशवाहक को कहा जाता है। संथाल समाज में गोड़ैत संदेशवाहक को कहा जाता है। तो सही जवाब हो गया संदेशवाहक। तो यहाँ से आप टिक कर देंगे संदेशवाहक। वहीं पर आप देखिए, संथाली समाज में बिरलाह क्या होता है। तो एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार होता है। जो संथाली समाज है उसमें बिरलाह जो होता है एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। तो याद रखेंगे, सामाजिक बहिष्कार। निम्न में से किस जनजाति में पसरी प्रथा प्रचलित है। तो पसरी प्रथा जो प्रचलित है वो उरांव जनजाति में प्रचलित है। कौन सी जनजाति, जो पसरी प्रथा है वो उरांव जनजाति में प्रचलित है, याद रखेंगे, उरांव जनजाति में
प्रसल पसरी प्रथा प्रचलित है। उरांव समाज में युवागिरी को किस नाम से जाना जाता है? तो उरांव समाज में जो युवागिरी को धूमकुड़िया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? धूमकुड़िया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद लड़कियों की धूमकुड़िया को किस नाम से जाना जाता है? तो लड़कियों की धूमकुड़िया का नाम है पेल एरेपा। तो यहाँ से आप टिक कर देंगे पेल एरेपा, ठीक है, पेल एरेपा के नाम से जाना जाता है। उरांव समाज, अब आ गया उरांव समाज। तो उरांव समाज में सिंगाबोंगा किस देवता के प्रतीक माने जाते हैं? सूर्य देवता को सिंगाबोंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उरांव समाज में। तो बात आप समझ गए, इसका सही जवाब हो गया सूर्य देवता। उसके बाद है उरांव समाज में सरना क्या होता है? तो सरना जो होता है एक तरह का पूजा स्थल होता है, आप सब इसके बारे में जानते होंगे। और उरांव समाज में सरना को पूजा स्थल कहा जाता है, पूजा स्थल, ठीक है। उरांव समाज में आत्माओं के मिलन को क्या कहा जाता है? तो उरांव समाज में जो आत्माओं का मिलन होता है उसको कहा जाता है कोहा बेंजा। कोहा बेंजा याद रखेंगे, कोहा बेंजा जो है उरांव समाज में आत्माओं के मिलन को कहा जाता है। पढ़ा पंचायत का गठन कितने गांवों को मिलाकर किया जाता है? तो 12 गांवों को मिलाकर पढ़ा पंचायत का गठन किया जाता है। याद रखेंगे 12 गांवों को मिलाकर पढ़ा पंचायत का गठन किया जाता है। वहीं पर प्रजातीय दृष्टि से मुंडा जनजाति को किस समूह में रखा जाता है? तो जानते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जो है प्रजातीय दृष्टि से मुंडा जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह में रखा जाता है। वहीं पर हम देखेंगे कि मुंडा समाज में अपनी भाषा, मुंडा समाज में अपनी भाषा को किस नाम से जाना जाता है? तो होड़ो जगर। किस नाम से? होड़ो जगर के नाम से जाना जाता है मुंडा समाज में अपनी भाषा को। मुंडा समाज पहाड़ देवता को किस रूप में पूजते हैं? मुंडा समाज पहाड़ देवता को जो पूजते हैं उसका सही जवाब है बुरुबोंगा, ठीक है। मुंडा समाज पहाड़ देवता को बुरुबोंगा के रूप में पूजते हैं। और अभी हमने सिंगाबोंगा को देखा, ठीक है, तो वो किस समाज में, किस समाज के सूर्य देवता के रूप में क्या होता है कि प्रचलित है? तो आप इसे, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। मुंडा समाज पहाड़ देवता को बुरुबोंगा के नाम से जानते हैं। देशावली मुंडा समाज में क्या होता है? तो देशावली जो होता है मुंडा समाज में ग्राम देवी को कहा जाता है। मुंडा समाज में देशावली ग्राम देवी को कहा जाता है, याद रखेंगे ग्राम देवी को देशावली कहा जाता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक मुंडा जनजाति का त्यौहार है, ठीक है। तो मुंडा जनजाति का एक त्यौहार है क्या? बाड़चिती है, बाड़चिती है, बापला है, अनोम्बा है, या फिर जाहिर। तो जो मुंडा समाज में जो त्यौहार है वो है अनोम्बा। कौन सा है? अनोम्बा। और बाड़चिती एक प्रकार की लिपि है, और किस जनजाति की लिपि है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। किस त्यौहार को फूलों का त्यौहार माना जाता है? तो बाज को जो बा एक है फूलों के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, मुंडा जनजाति में फूलों के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। निम्न में से कौन मुंडा समाज का धार्मिक प्रधान होता है? तो मुंडा समाज का धार्मिक प्रधान कौन होता है? पाहन, ठीक है, पाहन को मुंडा समाज का धार्मिक प्रधान कहा जाता है। मुंडा समाज में मानकी का कार्य क्या होता है? तो विवादों को निपटाना, लोगों के बीच जो झगड़ा हो जाते हैं चाहे किसी विवाद को लेकर विवाद हो तो उन विवाद को निपटाने के लिए जो किसे किसे बुलाया जाता है? मानकी को। तो मानकी का कार्य होता है मुंडा समाज में विवादों को निपटाना। किसको? विवादों को निपटाना। अब आगे देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में कि चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो चौथी बड़ी जनजाति है हो। कौन सी? हो जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति। अब हम लोग देखेंगे कि निम्न में कौन सी हो जनजाति की लिपि है? तो हो जनजाति की लिपि है बाराड़चिती। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था तो आप यहाँ पर जवाब आपको मिल गया कि बाराड़चिती जो है हो जनजाति की एक लिपि है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इली हो जनजाति का एक प्रचलित क्या है? तो वो जो इली है वो हो जनजाति का एक प्रचलित पेय पदार्थ है, ठीक है, पीने वाला पदार्थ है, पेय पदार्थ है इली, हो जनजाति का एक प्रचलित पदार्थ है। वहीं पर निम्न में से कौन सा एक हो समाज में प्रचलित विवाह का प्रकार है? तो हो समाज में जो प्रचलित विवाह का प्रकार है ओपोर तिपी। क्या है? ओपोर तिपी। ओपोर तिपी हो समाज में प्रचलित विवाह का प्रकार है। हो जनजातीय समाज में वधुमूल्य, ठीक है, हो जनजातीय समाज में वधुमूल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो गुनोंग के नाम से। किसके नाम से? गुनोंग के नाम से हो जनजाति समाज में वधुमूल्य को जाना जाता है। वहीं पोन को किस नाम से जाना जाता है वधुमूल्य किस जनजाति में? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्न में से कौन सा एक हो जनजाति का त्यौहार है? तो कोलोब जो है, कोलोब, ठीक है, कोलोब हो जनजाति का एक त्यौहार है। कोलोब हो जनजाति का एक त्यौहार है। अब हम लोग देखिए आगे, ओटी बोड़ोम का हो समुदाय किस देवता के प्रतीक के रूप में पूजते हैं? तो ओटी बोड़ोम को हो समाज पूजते हैं पृथ्वी देवता के रूप में। किसे? पृथ्वी देवता के रूप में पूजते हैं हो समाज ओटी बोड़ोम को, पृथ्वी देवता, ठीक है, पृथ्वी देवता के रूप में ओटी बोड़ोम के रूप में पूजते हैं, ठीक है, ओटी बोड़ोम को। अब आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक खड़िया जनजाति का वर्ग नहीं है?
पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया, हेम्ब्रोम खड़िया या ढेल की खड़िया? तो इसका सही जवाब है हेम्ब्रोम खड़िया, हेम्ब्रोम खड़िया। चलिए आगे देखते हैं, झारखंड की किस जनजाति द्वारा लूट लाओ और कूट खाओ वाली जिंदगी बसर की जाती है? तो याद रखेंगे खड़िया जनजाति के द्वारा लूट लाओ कूट खाओ वाली जिंदगी बसर की जाती है। ओलोलदाय खड़िया समाज में प्रचलित क्या है? तो ओलोलदाय जो है खड़िया समाज में प्रचलित एक प्रकार का विवाह है। ओलोलदाय खड़िया समाज में एक प्रकार का प्रचलित विवाह है। निम्न में से कौन खड़िया समुदाय का, खड़िया समुदाय का एक पर्व है? ठीक है, तो खड़िया समुदाय का एक पर्व है बंगारी। याद रखेंगे बंगारी खड़िया समुदाय का एक पर्व है बंगारी। वहीं पर खड़िया जनजाति द्वारा बाबीड़ पर्व, बाबीड़ पर्व, ठीक है, खड़िया जनजाति द्वारा बाबीड़ पर्व किस अवसर पर मनाया जाता है? तो जब बीजों को रोपा जाता है खेतों में उसके अवसर पर खड़िया जनजाति के द्वारा बाबीड़ पर्व मनाया जाता है, बाबीड़ पर्व मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब बीजारोपण है। अब देखते हैं खड़िया जनजाति अपने ग्राम प्रधान के सहायक को किस नाम से जानते हैं? खड़िया जनजाति अपने ग्राम प्रधान के सहायक को नेगी के नाम से जानते हैं, नेगी, ठीक है, याद रहेगा नेगी के नाम से खड़िया जनजाति अपने ग्राम प्रधान को जानते हैं। खड़िया समाज में गंडा का काम संदेशवाहक का होता है। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था गुड़ैत एक संदेशवाहक है किस जनजाति का, आप बताएंगे, वैसे ही खड़िया समाज में गंडा का काम होता है संदेशवाहक का, किसका, संदेशवाहक का। अब आगे देखते हैं झारखंड में किस जनजाति को जनजाति का हिंदू का संस्करण कहा जाता है? तो भूमिज को, किसे, भूमिज जनजाति को जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है, भूमिज जनजाति को। अब देखेंगे किस जनजाति को धनबाद में सरदार के नाम से जाना जाता है? भूमिज जनजाति को धनबाद में सरदार के नाम से जाना जाता है, भूमिज जनजाति को धनबाद में सरदार के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद उपनिषद आदि ग्रंथों में मिलता है? तो असुर जनजाति जो होती है उसका उल्लेख, असुर जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद, वेद, उपनिषद ये सब में मिला है। तो इसका सही जवाब होगा असुर, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा असुर। झारखंड में असुर जनजाति की, झारखंड में असुर जनजाति की कितनी उपजातियाँ पाई जाती है? इसका सही जवाब है तीन, ठीक है, इसका सही जवाब है तीन। असुर जनजाति सुबह के भोजन को किस नाम से जानते हैं? असुर जनजाति सुबह के भोजन को लोलो घोटो जोमकू के नाम से जानते हैं, लोलो घोटो जोमकू, याद रखेंगे लोलो घोटो जोमकू, असुर जनजाति सुबह के भोजन को लोलो घोटो जोमकू के नाम से जानते हैं। अब आगे देखते हैं कि असुर जनजाति का पारंपरिक पेशा माना जाता है लोहा गलाना, ठीक है, असुर जनजाति का पारंपरिक पेशा है लोहा गलाना, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा लोहा गलाना, है ना, लोहा कलाना। वहीं पर पारस असुर समुदाय में किसके रूप में प्रचलित है, ये इसके बारे में आपको बताना है। तो गोत्र के रूप में पारस असुर समुदाय में प्रचलित है। किस समुदाय में चामबंदी संस्कार प्रचलित है, कुरवा, महली, असुर या फिर बिरहोर? तो जो चामबंदी संस्कार है वो असुर समुदाय में प्रचलित है, असुर समुदाय में प्रचलित है चामबंदी संस्कार, चामबंदी संस्कार। असुर जनजाति में पुजारी को क्या कहा जाता है? तो असुर जनजाति में पुजारी को बैगा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बैगा, असुर जनजाति में पुजारी को बैगा कहा जाता है। निम्न में किस जनजाति को धुम्मक समूह के रूप में जाना जाता है? तो धुम्मक समूह के रूप में बंजारा को जाना जाता है, बंजारा, ठीक है, बंजारा जनजाति को धुम्मक समूह के रूप में जाना जाता है। बंजारा समुदाय अपनी भाषा को क्या कहते हैं, लंबाड़ी, हरजी, ठपरा या फिर कोक? तो इसका सही जवाब है जो बंजारा समुदाय है वो लंबाड़ी के रूप में अपनी भाषा को जानते हैं, लंबाड़ी के रूप में अपनी भाषा को जानते हैं, लंबाड़ी, याद रखेंगे बंजारा समुदाय अपनी भाषा को लंबाड़ी के रूप में जानते हैं। वहीं पर 57 यानी कि निम्न में कौन सा एक बंजारा समूह का नहीं है, उरवा, पवार, चौहान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो बंजारा समूह का नहीं है, तो इनमें से कोई भी बंजारा समूह का नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ना ही उरवा, ना ही पवार, ना ही चौहान, इनमें से कोई नहीं। अब देखेंगे बंजारा समुदाय में वधु मूल्य का नाम क्या है? तो बंजारा समुदाय में वधु मूल्य का नाम हरजी है, क्या है, हरजी, वधु मूल्य को हरजी के नाम से जाना जाता है। किस समुदाय में, बंजारा समुदाय में। बंजारा समुदाय में विधवा विवाह प्रचलित है, तो बंजारा समुदाय में विधवा विवाह प्रचलित है, लेकिन इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे नियोग के नाम से जाना जाता है, नियोग, ठीक है, नियोग के नाम से इसे जाना जाता है। अब देखेंगे कि जो किस जनजाति द्वारा आलाउदल को वीर पुरुष के रूप में जाना जाता है, ठीक है, तो आलाउदल को बंजारा समुदाय के द्वारा वीर पुरुष के रूप में जाना जाता है, बंजारा समुदाय के द्वारा। झारखंड की कौन सी जनजाति अपना संबंध क्षत्रियों से जोड़ती है? सही जवाब बथुड़ी,
सही जवाब है बथुड़ी। वहीं पर देखेंगे कहंगू बथुड़ी जनजाति का प्रचलित क्या है, तो कहंगू जो है बथुड़ी जनजाति का एक प्रचलित वाद्य यंत्र है, यानी कि बजाने वाला और इंस्ट्रूमेंट है कहंगू बथुड़ी जनजाति का, ठीक है। वहीं पर आप देखेंगे कि निम्न में कौन सा एक बथुड़ी जनजाति का पर्व है, सरोल, पानीपट, सालुका या फिर अहेर, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा सरोल, ठीक है। सरोल जो है बथुड़ी जनजाति का एक पर्व है, सरोल बथुड़ी जनजाति का एक पर्व है। निम्न में किस जनजाति में वर्ग व्यवस्था पाई जाती है, तो वर्ग व्यवस्था पाई जाती है किस जनजाति में, बेदिया जनजाति में। किस में, बेदिया जनजाति में। बेदिया जनजाति का समूह संबंध किस समूह से है, बेदिया जनजाति का भी संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से ही है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से ही बेदिया जनजाति का भी संबंध है, ठीक है। बेदिया जनजाति के पुरुषों के परंपरागत वस्त्र को किस नाम से जाना जाता है, तो बेदिया जनजाति के पुरुषों के परंपरागत वस्त्र को करेया के नाम से जाना जाता है, करेया के नाम से जाना जाता है। वहीं पर बेदिया समुदाय में विजातीय विवाह यानी कि दूसरे कास्ट में विवाह को निषेध माना गया यानी मना किया गया है, लेकिन उस विवाह का जो कि दूसरे कास्ट में करा जाए उसका नाम बेदिया समाज में क्या है, इसका नाम है ठुकुर ठेनी। क्या नाम है, ठुकुर ठेनी, याद रखेंगे ठुकुर ठेनी। वहीं पर ठुकुर ठेनी। अब हम लोग देखते हैं आगे कि करटाहा बिंझिया समुदाय में प्रचलित क्या है, तो जो करटाहा है बिंझिया समाज में समुदाय में प्रचलित गोत्र है, प्रचलित गोत्र है करटाहा, याद रखेंगे करटाहा जो है बिंझिया समुदाय में प्रचलित गोत्र है। बिंझिया जनजाति के वधु मूल्य का नाम क्या है, तो आपको बताना है कि बिंझिया समुदाय में जो बिंझिया जनजाति के वधु मूल्य का नाम है डाली कटाही। क्या है, डाली कटाही, डाली कटाही, याद रखेंगे बिंझिया जनजाति में डाली कटाही वधु मूल्य का नाम है, वधु मूल्य का नाम है। अब हम लोग देखते हैं निम्न में से किस जनजाति में हड़िया पीना वर्जित है, ठीक है, तो हड़िया पीना वर्जित है बिंझिया समुदाय में। किसमें, बिंझिया समुदाय में हड़िया पीना वर्जित है। बिंझिया जनजाति के धार्मिक कार्यों को कौन संपन्न कराता है, बिंझिया जनजाति के धार्मिक कार्यों को कौन संपन्न कराता है, क्या नेगी, बैगा, कश्यप या फिर भैरव, तो बिंझिया समुदाय में धार्मिक कार्यों को बैगा के द्वारा संपन्न कराया जाता है, बैगा के द्वारा संपन्न कराया जाता है। वहीं पर जो बिरजिया जनजाति के दिन के भोजन को क्या कहा जाता है, दिन के भोजन का नाम, बिरजिया जनजाति में दिन के भोजन का नाम कलवा है, क्या है, कलवा। निम्न में से किस जनजाति में बहुविवाह प्रचलित है, निम्न में से किस जनजाति में, तो बैगा जनजाति में बहुविवाह प्रचलित है, बैगा जनजाति में बहुविवाह प्रचलित है। अब हम लोग देखते हैं कि बिरहोर जनजाति की बस्ती को किस नाम से जाना जाता है, बिरहोर जनजाति की बस्ती को किस नाम से जाना जाता है, टंडा के नाम से, किस नाम से जाना जाता है, टंडा के नाम से बिरहोर जनजाति की बस्ती को जाना जाता है। बिरहोर जनजाति के लोग छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं, बिरहोर जनजाति के लोग छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, तो बिरहोर जनजाति के लोग जो छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं ना उन झोपड़ियों को कुरहर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कुरहर कहा जाता है। अब देखते हैं बेरा, गोड़ा और बादी बिरहोर जनजाति में किस रूप में प्रचलित है, वाद्य यंत्र, दंड, जमीन के प्रकार या फिर इनमें से कोई नहीं, इसका सही जवाब है जमीन के प्रकार, ठीक है, जमीन के प्रकार के रूप में बिरहोर जनजाति में बेरा, गोड़ा, वादी ये सब प्रचलित है, ठीक है। तो अगला का ये देखेंगे, निम्न में से किसे बिरहोर जनजाति के पारिवारिक देवता के रूप में पूजा जाता है, तो बिरहोर जनजाति के पारिवारिक देवता के रूप में हे प्रोम को पूजा जाता है, हे प्रोम को पूजा जाता है। अब हम लोग देखेंगे निम्न में से कौन सा बिरहोर जनजाति का नृत्य नहीं है, तो निम्न में से झरपट जो है बिरहोर जनजाति का नृत्य नहीं है, बाकी बिरहोर जनजाति के नृत्य है, डोंग, लागरी, मुतकर बिरहोर जनजाति के नृत्य है। अब हम लोग देखेंगे कि निम्न में से किस जनजाति का संबंध कोलेरियन समूह से माना जाता है, कोलेरियन समूह से किस जनजाति के समूह को माना जाता है, तो ये बैगा है, ठीक है, इसका सही जवाब होगा बैगा। अब देखते हैं कि बैगा जनजाति के लोग किस पशु को पवित्र मानते हैं, बैगा जनजाति के लोग बाघ को पवित्र मानते हैं, बैगा जनजाति के लोग बाघ को पवित्र मानते हैं। निम्न में से कौन सा एक बैगा जनजाति में प्रचलित विवाह का प्रकार है, तो बैगा जनजाति में प्रचलित विवाह का प्रकार है लाम सेना, लाम सेना बैगा जनजाति में प्रचलित विवाह का प्रकार है लाम सेना। अगला है निम्न में कौन सा नृत्य बैगा जनजाति से संबंधित नहीं है, तो बैगा जनजाति से संबंधित लागरी नहीं है, ठीक है, लागरी जो
है बैगा जनजाति से संबंधित नहीं है। अब देखते हैं बैगा जनजाति के मुख्य देवता कौन है। बैगा जनजाति के मुख्य देवता है बड़ादेव। कौन है? बड़ादेव बैगा जनजाति के मुख्य देवता है। चरेता, बियरी एवं हरेली बैगा जनजाति में किस रूप में प्रचलित है? जो फिर से एक बार बोलते हैं, याद रखना चाहिए, ठीक है। चरेता, बियरी एवं हरेली, ये एक बैगा जनजाति में प्रचलित पर्व का प्रकार है, ठीक है। पर्व मनाया जाता है किस नाम से? चरेता, बियरी, हरेली बैगा जनजाति में। निम्न में कौन सा चेरो जनजाति में प्रचलित विवाह का प्रकार है? चेरो जनजाति में प्रचलित विवाह का प्रकार है ढोला। कौन सा? ढोला। अब आगे देखते हैं झारखंड की किस जनजाति को हाथों से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है? हाथों से बने कपड़ों का जनक किसे कहा जाता है? चीक बड़ाई को। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था चीक बड़ाई का काम कपड़े बुनना होता है, तो हाथों से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है चीक बड़ाई को। चीक बड़ाई जनजातीय समुदाय में किसके द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता है? तो इसका सही जवाब है ठाकुर के द्वारा। किसके द्वारा? ठाकुर के द्वारा। चीक बड़ाई जनजातीय समूह में ठाकुर के द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता है। अब हम लोग देखते हैं आगे, चीक बड़ाई जनजाति में पुनर्विवाह को किस नाम से जाना जाता है? सगाई के नाम से। किस नाम से? सगाई के नाम से जाना जाता है। चीक बड़ाई जनजाति में पुनर्विवाह को सगाई के नाम से जाना जाता है। भारत की दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति मुंडा है, पहला संथाल है, ठीक है। उसके बाद चौथा, अभी हमने बात किया था, हो जनजाति, ठीक है। गोंड जनजाति की स्थानांतरित कृषि का क्या नाम है? गोंड जनजाति की स्थानांतरित कृषि का नाम दीपा है। क्या नाम है? दीपा। और ये दीपा स्थानांतरित कृषि का नाम है, किस जनजाति का इससे संबंधित है? तो गोंड जनजाति से। इस तरह से भी पूछा जा सकता है। परसापन गोंड जनजाति के, परसापन गोंड जनजाति के कुल देवता है, ठीक है। जो परसापन है वो गोंड जनजाति के कुल देवता है। गोंड जनजाति के पुजारी बैगा का सहायक कौन होता है? गोंड जनजाति के पुजारी बैगा का सहायक कौन होता है? तो गोंड जनजाति के पुजारी बैगा का सहायक होता है मति, ठीक है। मति जो होता है गोंड जनजाति में बैगा का सहायक पुजारी होता है मति। निम्न में कौन सी जनजाति के लोग शिल्पकार होते हैं? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक है। तो निम्न में जो करमाली जनजाति के लोग होते हैं वो शिल्पकार होते हैं। शिल्पकार, करमाली जनजाति के लोग जो होते हैं वो शिल्पकार होते हैं। करमाली जनजाति के लोग। किस जनजाति को अस्त्र शस्त्र बनाने में निपुण माना जाता है? किस जनजाति को अस्त्र शस्त्र बनाने में निपुण माना जाता है? तो करमाली, ठीक है। वहीं अभी देखा था कि शिल्पकार किसे माना जाता है? जनजाति के लोग शिल्पकार होते हैं। कौन सी जनजाति के लोग? करमाली। और करमाली ही अस्त्र शस्त्र बनाने में निपुण माना जाता है, करमाली को ही। करमाली जनजाति द्वारा किस नदी को पवित्र माना जाता है? करमाली जनजाति द्वारा पुनपुन नदी को पवित्र माना जाता है। पुनपुन नदी को पवित्र माना जाता है, पुनपुन नदी को, ठीक है। करमाली जनजाति का पवित्र स्थल कहलाता है, करमाली जनजाति का पवित्र स्थल देवकरी कहलाता है। देवकरी, देवकरी कहलाता है करमाली जनजाति का पवित्र स्थल। हथुआ करमाली जनजाति में किस रूप में प्रचलित है? हथुआ जो है करमाली जनजाति में, करमाली जनजाति एक तरह से शिल्पकार है, अस्त्र शस्त्र बनाने में निपुण है, और इस करमाली जनजाति का पवित्र स्थल क्या कहलाता है? अभी हमने देखा था देवकरी। और करवा जो करमाली जनजाति में हथुआ है वधुमूल्य का एक प्रचलित रूप है, वधुमूल्य का एक प्रचलित रूप है, वधुमूल्य का, ठीक है। कंवर समुदाय को कब अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया? तो 2003 ईस्वी में कंवर समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल किया गया 2003 में। कुटमैती प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? कुटमैती प्रथा कंवर जनजाति में प्रचलित है, कंवर जनजाति में कुटमैती प्रथा प्रचलित है। निम्न में से क्या कंवर जनजाति के वधुमूल्य को कहा जाता है? तो कंवर जनजाति के वधुमूल्य को हथवा कहा जाता है। सॉरी, अभी हमने देखा था कि जो हथवा है वो कंवर जनजाति के वधुमूल्य को कहा जाता है। हथवा कंवर जनजाति के वधुमूल्य को कहा जाता है, ठीक है। अब वहीं से देखेंगे झारखंड के किस जनजाति को लड़ाकू जनजाति माना जाता है? झारखंड के किस जनजाति को लड़ाकू जनजाति माना जाता है? तो खरवार, ठीक है। खरवार जो है लड़ाकू जनजाति के रूप में जाना जाता है। पलामू एवं लातेहार जिले की खरवार जनता को, जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अठारह हजारी के नाम से जाना जाता है। अठारह हजारी पलामू और लातेहार जिले के खरवार जनता को, जनजाति को जाना जाता है किससे? अठारह हजारी के नाम से।
खरवार जनजाति का पारंपरिक परंपरागत पेशा क्या है? तो खरवार जनजाति का पारंपरिक पेशा है कत्था बनाना। क्या बनाना? कत्था बनाना। पान में जो कत्था लगता है वो बनाना इसका पारंपरिक पेशा है, परंपरागत पेशा है। अब देखते हैं कि खरवार जनजाति की भाषा किस परिवार से संबंधित मानी जाती है। तो खरवार जनजाति का जो भाषा है वो ऑस्ट्रिक परिवार से संबंधित मानी जाती है, ऑस्ट्रिक परिवार से संबंधित मानी जाती है। खोंड जनजाति की बोली का नाम क्या है? खोंड जनजाति की बोली का नाम कोंघी है, ठीक है। कोंघी जो है खोंड जनजाति की बोली का नाम है। मरियाह नर बलि प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? मरियाह नर विवाह नर बलि प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? तो इसका सही जवाब होगा, ठीक है, इसका सही जवाब होगा खोंड। जो मरिया है वो नर बलि प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? तो खोंड जनजाति में नरिया मरिया नर बलि प्रथा प्रचलित है, ठीक है, खोंड जनजाति में। वहीं पर देखते हैं दोसिया खोंड का निवास स्थान है। देसिया खोंड का निवास स्थान कहाँ है? तो समभूमि या निम्न भूमि। देसिया खोंड का निवास स्थान है समभूमि या निम्न भूमि, समभूमि या निम्न भूमि, निम्न भूमि, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि खोंड जनजाति में स्थानांतरित खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो खोंड जनजाति में स्थानांतरित खेती को आप बताइए, ठीक है, इसे पोड़चा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और दीपा किस जनजाति की स्थानांतरित खेती का नाम है इसे कमेंट बॉक्स में बताइए। खोंड जनजाति में स्थानांतरित खेती को किसके नाम से जाना जाता है? पोड़चा के नाम से। झारखंड की किस जनजाति द्वारा स्वयं को नगेसिया कहा जाता है? तो झारखंड के किसान जनजाति के द्वारा, ठीक है, कोल किसान खोंड चेरो। झारखंड के किस जनजाति द्वारा स्वयं को नगेसिया कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है किसान, ठीक है, किसान। वहीं पर अब देखते हैं कि जो किस जनजाति में चढ़हुआ विवाह प्रचलित है? तो चढ़हुआ विवाह प्रचलित है किसान जनजाति में, चढ़हुआ विवाह प्रचलित है किसान जनजाति में, किसान जनजाति में। किसान जनजाति में जब लड़की को अपने घर लाकर उसके विवाह को संपन्न कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, किसान जनजाति में जब लड़की को घर लाकर अपने घर में विवाह संपन्न कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गुरुबा, गुरुबा, ठीक है, उसे कहते हैं गुरुबा, याद रखेंगे, उसे कहते हैं गुरुबा, ठीक है। पास्को कोल जनजाति में प्रचलित एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का गोत्र है। कोल जनजाति में प्रचलित, कोल जनजाति में प्रचलित एक प्रकार का गोत्र है, ठीक है, बास्को, एक प्रकार का गोत्र है बास्तो, बास्को। अब देखते हैं कोल जनजाति में वधु मूल्य का नाम क्या है? कोल जनजाति में वधु मूल्य का नाम क्या है? तो कोल जनजाति में वधु मूल्य का नाम पोटे है। क्या है? पोटे, याद रखेंगे, पोटे जो है कोल जनजाति में वधु मूल्य का नाम है। झारखंड में किस जनजाति को दांगर भी कहा जाता है? झारखंड में कोरा जनजाति को दांगर भी कहा जाता है, कोरा जनजाति को दांगर भी कहा जाता है। कोरा जनजाति का परंपरागत पेशा क्या है? ठीक है, तो कोरा जनजाति का परंपरागत पेशा मिट्टी काटना है, ठीक है, मिट्टी काटना रहा है। कोरा जनजाति अपने गोत्र को किस नाम से जानते हैं? कोरा जनजाति अपने गोत्र को गुष्टी के नाम से जानते हैं, कोरा जनजाति अपने गोत्र को गुष्टी के नाम से जानते हैं। नीचे गाँवों में निवास करने वाले कोरबा जनजाति को क्या कहा जाता है? तो नीचे गांव में निवास करने वाले कोरबा जनजाति को डिहारिया कोरबा कहा जाता है, डिहारिया कोरबा कहा जाता है, कोरबा, ठीक है। बियोड़ा कोरबा जनजाति में प्रचलित क्या है? तो बियोड़ा जो है कोरबा जनजाति में प्रचलित, कोरबा जनजाति में प्रचलित स्थानांतरित कृषि है, ठीक है, स्थानांतरित कृषि, ठीक। लोहार लोहरा जनजाति किस भाषा का प्रयोग करती है? तो लोहरा जनजाति सदानी भाषा का प्रयोग करती है, सदानी भाषा का प्रयोग करती है। मगहिया लोहरा जनजाति का प्रचलित क्या है? तो मगहिया जो है लोहिया लोहरा जनजाति का प्रचलित गोत्र है, गोत्र, ठीक है, गोत्र है। झारखंड की किस जनजाति को बांस की कला एवं दक्ष, बांस की कला एवं दक्ष एवं प्रवीण माना जाता है? तो झारखंड की किस जाति की जनजाति को? तो ये है महली। पहले भी बताया था कि जो सबसे अच्छे शिल्प हैं जो वो है महली, ठीक है। तो झारखंड की किस जनजाति को बांस की कला में दक्ष एवं प्रवीण माना जाता है? तो इसका सही जवाब है महली। अब देखते हैं कि जो सुल्की महली का मुख्य कार्य माना जाता है, ठीक है, सुल्की महली का मुख्य कार्य माना जाता है कृषि एवं मजदूरी करना, कृषि एवं मजदूरी करना, चलिए यहाँ से हो गया, कृषि एवं मजदूरी करना सुल्की महली का मुख्य कार्य माना जाता है, मुख्य कार्य माना जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि नागपुर में किसे नागपुरी का विद्यापति कहा जाता है? नागपुर में किसे नागपुरी का विद्यापति कहा जाता है?
तो इसका सही जवाब है घासीराम को। किसे? घासीराम को नागपुरी का विद्यापति कहा जाता है। सिल्ली क्षेत्र की किस जनजाति द्वारा उतूर पूजा की जाती है? सिल्ली क्षेत्र की किस जनजाति द्वारा उतूर पूजा की जाती है? तो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है महली। ठीक है, इसका सही जवाब है महली। सिल्ली क्षेत्र की किस जनजाति द्वारा उतूर पूजा की जाती है? इसका सही जवाब है एक मिनट, घासीराम। यहाँ तक हम लोगों ने देखा सिल्ली क्षेत्र की किस जनजाति द्वारा उतूर पूजा की जाती है। तो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है महली। ठीक है, इसका सही जवाब है महली। ये यहाँ से हम लोगों ने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, लेकिन वो पेजेस के कारण वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया। तो महली है। निम्न में कौन सा एक माल पहाड़िया जनजाति की भूमि का प्रकार नहीं है? तो माल पहाड़िया की भूमि का प्रकार पातर नहीं है। क्या है? पातर नहीं है। अब देखते हैं किस जनजाति में बधुमूल्य के रूप में सुअर देने की प्रथा है? किस जनजाति में? माल पहाड़िया जनजाति में बधुमूल्य के रूप में सुअर देने की प्रथा है। माल पहाड़िया में वीरू गोसाई को माल पहाड़िया जनजाति किस देवता के रूप में पूजते हैं? वीरू गोसाई को माल पहाड़िया जनजाति के लोग किस देवता के रूप में पूजते हैं? तो धरती माई के रूप में। किसमें? धरती माई के रूप में पूजते हैं। झारखंड की किस जनजाति द्वारा स्वयं को मलेर भी कहा जाता है? झारखंड के किस जनजाति द्वारा स्वयं को मलेर कहा जाता है? तो सौरिया पहाड़िया के द्वारा। किसके द्वारा? सौरिया पहाड़िया। ठीक है, झारखंड की किस जनजाति द्वारा स्वयं को मलेर कहा जाता है? सौरिया पहाड़िया द्वारा। अब वो देखते हैं निम्न में कौन सी सौरिया पहाड़िया की भाषा है? तो मालतो। कौन सी भाषा है? मालतो जो है सौरिया पहाड़िया की भाषा है। सौरिया पहाड़िया जनजाति में किसके द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता है? सौरिया पहाड़िया जनजाति में जो है वेद सीढ़ू के द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता है। वेद सीढ़ू के द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता है। किसमें? सौरिया पहाड़िया समुदाय में। सौरिया पहाड़िया समुदाय में कोड़बाह प्रचलित है, क्या है? ठीक है, तो ये है आपका युवा गृह सौरिया पहाड़िया में। धूमकुड़िया किस समुदाय में युवा गृह का नाम है? ठीक है, और पेले रेपा किस युवा गृह का नाम है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज मैंने इसके बारे में चर्चा कर लिया है। तो सौरिया पहाड़िया समुदाय में कोड़बा प्रचलित एक युवा गृह है, याद रखेंगे, युवा गृह है। अब देखते हैं सौरिया पहाड़िया बिल्प गोसाई को किस देवता के रूप में पूजती है? तो सौरिया पहाड़िया जो है बिल्प गोसाई को किस रूप में पूजती है? तो चांद देवता के रूप में पूजती है। बिल्प गोसाई को सौरिया पहाड़िया चांद देवता के रूप में पूजती है। निम्न में से किसके द्वारा सौरिया पहाड़िया जनजाति के धार्मिक कार्यों का संचालन किया जाता है? ठीक है, तो धार्मिक कार्यों का संचालन किया जाता है कांदो मांझी के द्वारा। निम्न में किसके द्वारा सौरिया पहाड़िया जनजाति के धार्मिक कार्यों का संचालन किया जाता है? किसके द्वारा? कोतवार, लाली, कांदो मांझी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कांदो मांझी है। क्या सही जवाब इसका है? कांदो मांझी। अब देखते हैं कि सौरिया पहाड़िया, ठीक है, सौरिया पहाड़िया द्वारा सलियानी पूजा किस माह में की जाती है? सौरिया पहाड़िया द्वारा सलियानी पूजा किस माह में की जाती है? किस माह में की जाती है? तो इसका सही जवाब है चैत्र माह में। सौरिया पहाड़िया द्वारा सलियानी पूजा चैत्र माह में किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे आगे। पहरिया जनजाति के लोग अपने झोपड़ी नुमा घर को क्या कहते हैं? अभी थोड़े देर पहले इसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं कि झोपड़ी नुमा घर को क्या कहते हैं, लेकिन वो जनजाति कोई और थी, वो कोई किसी और जनजाति के बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो जो पहरिया जनजाति के लोग अपने झोपड़ी नुमा घर को कहते हैं झाला। क्या कहते हैं? झाला। पहरिया जनजाति के लोग अपने झोपड़ी नुमा घर को कहते हैं झाला। अब देखिए कि झारखंड के किस जनजाति के यहाँ परिवार की गिनती कुराला के आधार पर की जाती है? तो झारखंड के किस जनजाति के यहाँ, तो मतलब परहिया के यहाँ, परहिया जनजाति के यहाँ परिवार की गिनती कुराला के आधार पर की जाती है। परहिया जनजाति में डाली, ठीक है, डाली जो है परहिया जनजाति में डाली जो है वधुमूल्य के रूप में प्रचलित है। परहिया जनजाति में डाली वधु के रूप में प्रचलित है। अब देखिए किस जनजाति में मुआ पूजा पूर्वज पूजा का विशेष महत्व है? तो परहिया जनजाति में पूर्वज पूजा यानी कि मुआ पूजा का विशेष महत्व है। अब देखिए झरा बासु एवं जंटा पाते सबर जनजाति की क्या है? तो जो झरा है बासु है जंटा पाते है सबर जनजाति की
उपजाति है, सबर जनजाति की उपजाति है झरा बासु जंटा पाते। सबर अगर आपसे पूछे कि सबर जनजाति की उपजाति कौन कौन सी है, आप बता सकते हैं झरा बासु एवं जंटा पाते। अब देखिए धरदी जोय जनजातीय समुदाय का प्रचलित क्या है, जो धरदी जोय है जनजातीय समाज का प्रचलित विवाह का प्रकार है। धरदी जोय जनजातीय समाज का प्रचलित विवाह का प्रकार है। अब देखते हैं आगे कि जो किस जनजाति में वरमूल्य की प्रथा प्रचलित है। वरमूल्य की प्रथा कोरबा जनजाति में प्रचलित है, कोरबा जनजाति में वरमूल्य की प्रथा प्रचलित है। अब देखिए कि किस विवाह में उभय पक्षीय प्रेम होना जरूरी नहीं है, किस विवाह में उभय पक्षीय प्रेम होना जरूरी नहीं है। तो इसका सही जवाब है छठ विवाह। ठीक है, इसका सही जवाब है छठ विवाह में उभय पक्षीय प्रेम होना जरूरी नहीं है। अब हम लोग देखते हैं निम्न में किस जनजाति में पलायन विवाह की प्रथा प्रचलित है। तो पलायन विवाह की प्रथा प्रचलित बिरहोर जनजाति में है, बिरहोर जनजाति में पलायन विवाह का की प्रथा का प्रचलित है। एक लड़की की शादी दूसरे दूसरे परिवार की लड़की की शादी पहले परिवार के लड़की से अगर संपन्न हो तो उस विवाह को गोलट विवाह कहा जाता है, उस विवाह को गोलट विवाह कहा जाता है। संथाल जनजाति किसे विश्व विधाता मानती है, संथाल जनजाति जो है वो ठाकुर जी को विश्व विधाता मानती है, ठाकुर जी को विश्व विधाता संथाल जनजाति के द्वारा माना जाता है। वहीं पर इनमें से कौन सा संथाल जनजाति का मुख्य पर्व है, तो बाज सोहराई और सकरात, ये तीनों संथाल जनजाति का मुख्य पर्व है। बाज सोहराई और सकरात जो है तीनों संथाल जनजाति का मुख्य पर्व है। अब हम लोग देखते हैं उरांव जनजाति को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, उरांव जनजाति को स्थानीय भाषा में कोरख कहा जाता है, कोरख। ठीक है, उरांव जनजाति को स्थानीय भाषा में कोरख कहा जाता है। निम्न में कौन सा कथन असत्य है, तो निम्न में से उरांव जनजाति के गांवों के प्रधान को पाहन या महतो कहा जाता है, कौन सा कथन असत्य है, सत्य वाला नहीं देखना है, असत्य वाला देखना है। तो उरांव जनजाति के गांवों को प्रधान को पाहन या महतो कहा जाता है, सही है भाई। उरांव जनजाति की पंचायत पंचोरा कहलाती है, उरांव जनजाति की पंचायत पंचोरा कहलाती है, सही है। उरांव जनजाति के युवा गृह को घूम धुमकुड़िया भी कहते हैं, तो ये भी सही है। अब लास्ट बचा है उरांव जनजाति की भाषा को उर्वी कहते हैं, बिल्कुल गलत, क्या है, बिल्कुल गलत है ये। तो ये हो गया हमारा सही जवाब, बिल्कुल गलत। उसके बाद उरांव जनजाति किस नाम के ईश्वर की आराधना करती है, तो उरांव जनजाति जो है धर्मा नाम के ईश्वर की आराधना करती है, धर्मा नाम के ईश्वर की आराधना करती है। उरांव जनजाति किस नाम के ईश्वर की आराधना करती है, धरना नाम के ईश्वर की आराधना करती है, ठीक है, धर्मा। अब देखते हैं निम्न में कौन सा कथन असत्य है, असत्य वाला देखना है। तो मुंडा जनजाति अपने को हेरको कहती है, सही है, मुंडा जनजाति अपने को